पाकिस्तान महज इतों 800 मीटर दूर है। जब भी मोरा लाहौर नू जांदी सी तां उस नहर नू पार करना पैंदा सी और कल्ली उस नू मुश्किल नहीं सी, बहुत सारिया लोगों नू उसकी मुश्किल सी। मोरा ने अपनी आया नू पुछया लोग की सोचते हैं उहदे बारे, तां उस लेडी ने मोरा नू कहा कि पुल दा लोगों नू बहुत सुख है, लेकिन उस पुल नू लोग पुल मोरा नहीं पुल कंजरी कहिंदे हन, जिहड़ा कि उस नर्तकी दे नाल जस्टिफाई नहीं है, उस दे नाल न्याय नहीं है। मोरा जड़ी है ना वो डांस मोर की तरह करती सी कि महाराजा ने सिक्के भी ये नाम चलाए। ब्याह करन तो बाद फिर अपने एलीफेंट ते बिठा के लाहौर के बाजारों के उसके नाल जांदा सीगा और बेपर्दा हो जाती सी क्योंकि वो पर्दा नहीं करती सी बाकी रानियां की तरह। यदि मैरिज फिर ऑब्जेक्शन किया गया, लोग मन ने महाराजा रणजीत सिंह के इस कार्य को स्वीकार नहीं किया। अकाल तख्त तो भी ऑब्जेक्शन होया, कोड़े लगाने की सजा सी नंगी पिट के उत्ते, महाराजा एग्री कर गया उसके भी तो उसकी सजा को कन्वर्ट करके 1.5 लाख रुपया हरिमंदर साहब के उस जमाने चले फिर वो चढ़ाया इन पनिशमेंट के अगेंस्ट चढ़ाया कि हिस्टरी के कुछ रचन की जड़ी कोशिश है वो मोरा स्टैंड नहीं करती। वाली पंजा दरियावां दे जान मगरों लई किसे ना सार पंजाबियां दी रह गई लटकदी लाहौर दी कंध उत्ते रत पीणी तलवार पंजाबियां दी सिर तों ताज दलीप दे लथिया ना लथ गई दस्तार पंजाबियां दी खैबर तीक बनाई सी जो नलुए खुस गई जागीर पंजाबियां दी। महाराजा रणजीत सिंह वाकई पारस सी जिसनू छो के मोरा नाची तों मोरा माई बन गई। पेशे वजो महफलां च नचण वाली मोरा नू ओ माण ओ सत्कार शायद कदे हासिल ना हुंदा जो महाराजा रणजीत सिंह सदका प्राप्त होया। विरासतनामा च अज गल करांगे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ते माई मोरा दे मिलाप दी। लाहौर ते अमृतसर दे दरमियान पुल मोरा जिसनू पुल कंजरी दे नाम नाल भी संबोधन कीता जांदा है। महाराजा रणजीत सिंह दी जिंदगी दे नाल इस थान दा बहुत ही अहम किस्सा जुड़िया होया है। महाराजा रणजीत सिंह अपने शाही सेना अते नौकर चाकरां नाल अक्सर ही इत्थे आराम करिया करदा ते एक बार इतफाक ही महाराजे नूं उस वेले दी प्रसिद्ध नाची मोरां दा नाच वेखण नूं मिलिया। मोरां दी खूबसूरती दे चर्चे पूरे लाहौर दे विच सन ते उस दी एक झलक ही काफी सी महाराजा रणजीत सिंह दा दिल जितण लई। कहिंदे ने कि जदों मोरा नचदी सी ते देखण वालियां नूं इंज लगदा मनो कोई मोर नच रिहा होवे, इसे लई नाम मोरा सी यानी मोर वर्गी। आरसी बनी हुई सीगी जड़ी कि खब्बे हाथ अंगूठे च पाई जांदी सी और उते डांस करदा मोर, क्योंकि मोरा जड़ी है ना वो डांस मोर की तरह करती सी तो उहदा नां ही जड़ा मोरा वाली सरकार भी कहिंदा सी, मोरा दा सिक्का कहा जांदा सी उहनूं उस सिक्के नूं ही, और वो सिक्का जड़ा म्यूजियम दे विच रख्या होया मोरा वाला सिक्का महाराजा रणजीत सिंह दे म्यूजियम च। क्या ये भी जानता है कि एक बार मोरां दी चांदी दी जुत्ती महाराजे दे दरबार विच जांदे समय नहर नूं पार करदिआं डिग गई। ये नहर किसी समय मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा शालीमार बाग दी सिंचाई लई बनाई गई सी, सो निराशा दी हालत च मोरां ने महाराजे अगे नचण तों इनकार कर दिता ते महाराजे ने तुरंत इस नहर ते पुल दी उसारी करवा दिती। जद भी मोरा लाहौर नू जांदी सी तां उस नहर नू पार करना पैंदा सी और कल्ली उस नू मुश्किल नहीं सी, बहुत सारियां लोकां नू उस दी मुश्किल सी। और मोरा ने एक गल बड़ी शिद्दत दे नाल फील कीती कि इस नहर करके बहुत सारे लोकां नू मुश्किल पेश आ रही है और उन्हें तहैया कीता, उन्हें डिसाइड फैसला कीता कि इत्थे एक पुल बनना चाहिए। और एक दिन वो जानबुझ के देरी नाल दरबार दे विच जांदी है, उन्हें पुछया जांदा है कि तू देर नाल क्यों आई, और वो दसदी है कि इस तरह रस्ते दे विच नहर है जिथे कि उसकी जुत्ती डिग पई और मैं चाहती हाँ कि उत्थे एक पुल बनाया जाए। और वो असल च वो एक कारण महाराजा साहब नूं दस रही है, लेकिन वो मन दे विच जिहड़ी गल सी ओ सी लोकां वास्ते पुल नूं बनाउणा। महाराजे दे शौक सीगे जिन्हां दे विच महफिल सजाना राग रंग दी उहदे विच मोरां दा जड़ा बड़ा
महाराजा बहुत इनफैचुएटेड सी मोरा नाल और इनू बहुत प्यार करता सी, जिन्हों कहे फस्ट साइट लव महाराजा का जड़ा सी। उसने महाराजा काफ़ी यंग सीगा 21-22 ईयर दे विच होना है जिस दे उन्हें महाराजे ने पहली बारी मोरा नू देखिया सी और उदे नाल फिर मिलना और मिलन वास्ते जड़ी है एक जगह रखी गई सी कि जदों लाहौर दे विच क्रिटिसाइज होना शुरू हो गया तो महाराजे ने अमृतसर लाहौर दे विच एक जगह रखी सी जिथे महफिल सजांदा सीगा और उत्थे ही बाद विच पुल कंजरी बनिया क्योंकि वह कनाल पार करके आँदी सी उहदी जुत्ती उहदे च कहिंदे कहिंदे मतलब हिस्ट्री किताबां च इन्नी रेफरेंसिज इन्नियां नहीं आंदियां उहदी जुत्ती गिर गई सी तो महाराजे ने उत्थे ब्रिज बना दिता सीगा तो उत्थे इहनां दी महफिल लगदी। उत्थे महाराजे दी बारादरी भी है जिहड़ी कि हुण है नहीं एग्जिस्टिंग करती, 12 दरवाजे सके और महाराजा उत्थे बैठता सीगा और सामने प्लेटफॉर्म बनिया होया सीगा जिथे वो डांस वगैरह करते सीगे। इतिहासकारां दा कहना है कि बेशक मोरा महाराजा रणजीत सिंह दे सब तो नज़दीक सी पर फिर भी वो कदे राणी दा खिताब ना हासिल कर सके। अजिहे कई हवाले मिलते ने कि महाराजे ने मोरा दे नाल ब्याह करवा लिया पर इन्हां दी पुष्टि करना मुमकिन नहीं। रानी मोरा नहीं कहांगी उन्हों, मोरा सरकार कहांगी क्योंकि जड़े हिस्टोरियंस ने उदे वास्ते मोरा सरकार वर्ड यूज़ करते ने और रानिया जड़िया उन्हों दी प्रॉपर सिख मर्यादा नाल मैरिज होंदी है या जड़ा जट कस्टम है करेवा या चादर डालना उदे अकॉर्डिंगली मैरिज होंदी है। तो जो असी मैरिज की गल करिए तो मोरा की इस तरह की कोई शादी महाराजे नाल नहीं हुई। बाकी महाराजे की इनफैचुएशन उदे बारे बहुत सी, वो कोर्टिजन सी महाराजे की और सब तो ब्यूटीफुल और विटी जड़ी है कोर्टिजन दे विच सीगी। तो ब्याह जड़ा ने रचाया ना उहदे नाल वो ना तो निकाह सी ना ही सिख ट्रडिशन मर्यादा के अकॉर्डिंगली मैरिज सीगी, लेकिन ब्याह की गल आती है और जड़ी ब्याह की गल आती है उहदे च एक कस्टम हैगा इन्हां दा कंचनिया दा कि महाराजा उन्होंने घर जा के अग जड़ा चुल्हा बनाएगा तो उन्होंने अपनी फूक दे नाल जलाएगा। महाराजे ने वो कंडीशन रखी गई महाराजे दे तो महाराजे ने वो कंडीशन कहिंदे पूरी की सीगी और उस कंडीशन दे हिसाब नाल महाराजे ने मैरिज की सीगी। महाराजा ये घर नहीं गया कहिंदे, इहदा एक गॉडफादर सी अमृतसर च जिहदे थां दे उत्ते महाराजा ने इहदे नाल जिहड़ा ब्याह इस किस्म दा ब्याह जिहड़ा कीता। बेशक महाराजा रणजीत सिंह ने उस समय च बिना किसी भेदभाव ऊंच नीच जातिवाद तो उपर उठ के मोरां दे नाल ਵਿਆਹ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਲ ਕੰਜਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਪੁੱਲ ਕੰਜਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੁੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਲ ਮੋਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਲ ਕੰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਾਂ ਪਾਨ ਚਬਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਈ ਅਤੇ ਪਾਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਥੁੱਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨੂਰੁਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਾਂਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਂਗੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਰਾਜਬੰਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਦੀ ਡਾਟਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਾਂਦ, ਬਾਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਤਾਰੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਰਾਜਬੰਸੋ ਜਿ ਬਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਆਈ ਸਮਝ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਰਾਜਬੰਸੋ, ਉਹ ਅਫੀਮ ਦੀ ਓਵਰਡੋਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟਿਡ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵਾਇਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਰਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਰਹੀ ਤੇ ਕਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਨਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਵਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਕੋੜੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਨੰਗੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਆਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੜਾਇਆ ਇਨ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਸਨੂੰ ਨਿਉਂ ਕੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਲਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਗੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪਾਪੜ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਮਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਜਿੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ। ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਹੌਲ ਮਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੱਤ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਚਿੱਟੇ ਗੁਬੰਦ ਤੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਦੀਮੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 1808 ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਸਕੀ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਇਸ ਮਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਇੱਕ ਤਵੈਫਾ ਔਰਤ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਵੈਫਾ ਥੀ ਤੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇਕੀ ਕਾ ਕਾਮ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਸੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਤਾ ਹੈ ਜਬ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਦਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੀ ਘਰ ਬਣਾਊਂ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਆ ਬਣਾਉਣ ਕਾ ਤੋ ਮਸਜਿਦ ਉਸਨੇ ਬਣਾਉਣ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇ ਤੋ ਜਿਸ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਥਾ ਉਸਸੇ ਉਸਕਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਥਾ ਉਸਸੇ ਕਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਪਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾ ਦੇ ਤੋ ਉਸਨੇ ਉਸਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਮਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਲੇ ਨਾਮ ਪਰ ਉਸਨੇ ਮਸਜਿਦ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਮੋਹਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਿਲਾਤੀ ਹੈ, ਪਾਪੜ ਮੰਡੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਲਾਹੌਰ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਾਪੜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਮਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਲਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਈ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਸੀ।
अपने आखिरी वक्त जो माई मोरा ने नचन गान तो तौबा की थी, तो उन्हें अल्लाह की राह में नेक काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया, तौबा करने का इजहार किया, उन्हें उसकी ख्वाहिश उत्ते मस्जिद जी है वह तमीर की गई। मस्जिद का काफ़ी सारा हिस्सा अज भी अपनी असली हालत में मौजूद है, लेकिन कुछ हिस्सा वक्त के तब्दीलियां की गई ने जिदत लियाती गई है, लेकिन मस्जिद का काफ़ी सारा हिस्सा अज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। मस्जिद की सांभ संभाल करने वाले फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मस्जिद तकरीबन अज भी अपनी पुरातन हालत च मौजूद है, इस नाल ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई। ये जिस हिस्से में हम खड़े हैं इस वक्त, ये कदीमी है, ठीक है, उसी तरह है जिस तरह बनाया गया, लेकिन सिर्फ ये फ़र्श की बात है, जो फ़र्श आप जिस पर खड़े हैं ये फ़र्श अभी नया बनाया गया है, बाकी सब कदीमी है। इस तो अलावा मोरा दे द्वारा एक मदरसा भी तैयार करवाया गया सी। मदरसा बनन दे नाल फारसी ते अरबी दी उचेरी सिख्या लई सिख्यार्थियां नू काफ़ी लाभ मिलिया, सो इस तरह माई मोरा गरीबां दी भी आवाज़ बन चुकी सी। वो मस्जिद के फिर उत्थे जड़े स्कॉलर्स बारों बारों आते हैं, उन्होंने काफ़ी एंडोमेंट मिली हुई सी स्टेट वालों, क्योंकि कमरे बने हुए हैं, बाथरूम बने हुए हैं उत्थे, जिते स्कॉलर अरेबिक परशियन दे स्कॉलर आते सी, ईवन हदीस की एजुकेशन उत्थे दिती जाती सी, तो उन्हों कहते हैं मोरा सरकार का स्कूल। जड़े एजुकेशन की गल करते हैं स्कूल कहते हैं, नहीं तो मोरा वाली मस्जिद कहते हैं। इतिहासकारां दा कहना है कि मोरा ने महाराजा रणजीत सिंह दे नाल सलाहकार दे तौर ते भी काम कीता। भावें ओह नचण गाउण वाली सी, पर ओहदी राजनीतिक सूझ किन्नी होएगी, जिहड़ा उहने महाराजा दे नाल इक सलाहकार दे तौर ते इह काम जिहड़ा है बड़ा खूबी बखूबी निभाया। अपनी बुलंदी दे दौर च महाराजा रणजीत सिंह दा साम्राज एक पासे खैबर ते दूजे पासे कश्मीर तक फैलिया होया सी, सो इस गल च कोई अतकथनी नहीं कि महाराजे दे नाल मोरा माई ने भी इस साम्राज ते राज कीता। सो महाराजा फेल्ट कंफर्टेबल विद हर, ज्यादा कंफर्टेबल होना महसूस कीता, और ब्यूटीफुल भी सी और विट्टी भी सी, और विट्टी बारे भी एक स्टेटमेंट उहदी आउंदी है कि वह कहती है एक दिन महाराजा नूं कि जदों परमात्मा ब्यूटी वांडर सी तो कित्थे सी, ते महाराजा कहिंदा कि मैं उसले किंगडम लभ रहा सी, भी मैं अपना राज स्थापित करन च लगाया सी, मैनूं सीगा भी राज मिल जाए मैनूं इहदे नाल। सो मोरा माई ने अपनी जिंदगी नूं जिन्ने शानदार तरीके नाल जीविया, अपनी मौत तों बाद वह उन्नी ही गुमनाम हो गई। पुल कंजरी पाकिस्तान की सरहद तो महज 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। टूरिस्ट गाइड्स का मनना है कि जे आम दिनों के वाघा बॉर्डर से 10,000 के करीब सैलानी जाते हैं, तो इत्थे पहुँचने वाले सैलानियों की गिनती महज 20-30 ही होंदी है। वाघा बॉर्डर तो पुल मोरा महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आम दिनों अटारी वाघा सरहद से हुंदी परेड नूं वेखण दे लई रोज़ाना 10,000 टूरिस्ट पहुँचते हैं, पर इत्थे हफ्ते च भी 100 सैलानी नहीं पहुँच पाते, जिसका वड्डा कारण पंजाब टूरिज्म की अणदेखी है। पंजाब टूरिज्म ने इस स्थान नूं उस पद्धर तक ना तो प्रचारिया ते ना ही उन्ना विकास किया ता जो वड्डी गिणती च लोग इस स्थान नूं वेखण लई आ सकदे। और मैं समझना हाँ कि जो एक टूरिस्ट आता है इतने आन के एक खाली पाउंड देखता है तो वह निराश हों, क्योंकि पुल जो पुल मोरा का ना लेंगे तो एक आम भाषा के जो पुल कंजरी कहें हैं उन्होंने मन के बड़ा कुछ हों कि जाके पता नहीं उसे की देखना, पर जो इतने आते हैं उन्होंने कोई ज़्यादा इतने देखने नहीं मिलता सवाए इस पुल के। इस जगह मेनटेन तो पैसा लाया होगा, रिस्टोर किया होगा, पर उन्होंने ये काम जोड़ा है हाफ हार्टडली किया है। उसका कारण वड्डा यह है कि इस नूं प्रोजेक्ट करन दे लई, इस नूं मार्केटिंग करन दे लई लोकल लोकां दी लोड़ सी, जिहड़ी कि टूरिज्म ने अपनी इहदे विच कोई दिलचस्पी नहीं विखाई,
लोकल लोगों को ट्रेन किया जाता, उन्होंने दसिया जाता कि टूरिज्म की है। अटारी वाघा सरहद तो भारत वल प्रवेश करद्या जे कोई पहली विरासती इमारत के दीदार होंगे हैं तो वह है पुल मोरा। वह नहर जिथे मोर की जुत्ती डिगी अज उसका नामो निशान नहीं, क्योंकि हुण रावी ने भी अपना वहा बदल लिया है। 1947 की वंड तो बाद इस सरहदी इलाके च बहुत तब्दीलियां आईया, पर अज भी यह थां महाराजा रणजीत सिंह ते माई मोरां दी याद नू ताज़ा करती है। विरासतनामा च अज असी तुहानू उस अमीर विरासत दे दीदार करवाए जो अपने आप दे विच शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ते माई मोरां दी अपुल याद नू समोई बैठी है। अगली बार नवे थां ते नवे विषय दे नाल ते नवे लोकां दे विच मुड़ रूबरू होवांगे। उदों तक मैनू परमजीत सिंह नू दिओ इजाजत। तुहाडे जहन दे विच किसे तरह दा सवाल होवे हेठ लिखी मेल ते संपर्क कर सकते हो। हुण मैनू परमजीत सिंह नू दिओ इजाजत। धन्नवाद।